समय गया हुआ था, इसका मीटर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लग रही है मुझे, क्योंकि ये इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे मतलब KTM लवर्स थे, उनको पसंद नहीं आया है। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोगों ने थंबनेल एंड टाइटल देख के तो समझ ही चुके होंगे कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना देने वाला हूँ जेन्युइन रिव्यू, क्योंकि इस बाइक को लिए हुए मुझे 3 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसमें मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो चुका है कि क्या क्या चीज़ें इसकी पॉजिटिव रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें नेगेटिव है। तो आप लोग इस वीडियो को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है। इस वीडियो को आप लोग एक मैं जेन्युइन रिव्यू है, क्योंकि मैंने अभी अपना बाइक को 3 मंथ से रेगुलर यूज़ करता हूँ, मेरी पर्सनल बाइक है। तो आप लोगों ने वीडियो जो डलती है आप लोग देखते भी हो, तो इस वीडियो में मैं अपना जेन्युइन रिव्यू बताऊँगा क्या है क्या नहीं है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या क्या इसमें खामियाँ हैं, क्या क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं। तो चलिए को वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसके कुछ नेगेटिव्स की जो मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुई हैं। सबसे पहले इसका आता है हाइट एडजस्टमेंट को लेके। अगर आपका हाइट थोड़ा शॉर्ट है तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर थोड़े बहुत होनी है। सबसे प्रॉब्लम होनी है आप जब आपको टर्न पड़ेगा, आपको टर्न पड़ रहा है और थोड़ा गड्ढा वड्ढा है, तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर दिक्कत देने वाली है, क्योंकि हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा दी हुई है इसके लेके। क्योंकि मेरे दोस्त लोग को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरी बाइक को राइड करने में। बात करते हैं इसके दूसरी प्रॉब्लम को, वो होती है जो कि आती है इसके ठक ठक के कुछ आवाज़ आती है, वो आती है यहाँ पे शॉकर के बगल से, जो यहाँ पे लाइट इंडिकेटर लाइट्स की तरह दिख रही हैं। ये इंडिकेटर लाइट्स की तरह यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये इंडिकेटर लाइट्स की तरह जो इस साइड है यहाँ पे है, उस साइड भी है, इस साइड भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉकर जो नीचे जाता है, डाउन होता है, तो इसके शॉकर में उससे आवाज़ आती है जब टकराता है, तो उस पर खटखट की आवाज़ आती है। वो ज़्यादा गड्ढा पड़ता है तो नॉर्मली आवाज़ नहीं आती है, इस तरह नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इसके तीसरे नेगेटिव्स को लेकर जो कि आए हैं इसके मीटर से लेके, जो कि मैंने सर्विस सेंटर पर मैं गया हुआ था, इसका मीटर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लग रही है मुझे, क्योंकि ये इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप लोग इसको ध्यान से देखो, ये मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो आप, ये देखो 1 मिनट, ये ट्रिप वन में 560 किलोमीटर टोटल दी हुई है। ट्रिप वन में देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप, 562 किलोमीटर का है, एंड ये ट्रिप टू में आप देखोगे तो 662 किलोमीटर है टोटल। लेकिन यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे शो कर रहा है वो 662 किलोमीटर ही शो कर रहा है। ये जो ट्रिप वन वाला है, जो यहाँ पे जो ट्रिप वन है 560 किलोमीटर, इसका मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। मैंने इससे रिलेटेड आपको, मैं कंपनी में भी गया था सर्विस पे, फर्स्ट सर्विस पे लेके गया था अपने बाइक को, तो वहाँ पे मैंने इसके लिए रिगार्डिंग कंप्लेंट भी की थी, तो उन्होंने चेक किया था, तो उन्होंने बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने उनसे पूछा भी था कि ऐसा बात तो ऐसा प्रॉब्लम आ क्यों रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सही है सब चीज़। तो उसके बाद मैं वहाँ से चला आया, लेकिन मुझे इससे कुछ फॉल्ट लग रही है इसमें मीटर में, तो मुझे लगी तो मैंने आपको बता दिया। एंड बात करते हैं चौथे इसके टॉपिक की, जो कि इसके नेगेटिव्स को लेकर आती हैं, जो कि है इसकी थोड़ी पीछे की जो ये वाली जो सीट का जो यहाँ पे ट्रीटमेंट है, अगर बैठता है अगर इधर से, तो उसको बैठने में बहुत ज़्यादा इधर से प्रॉब्लम आती है, यहाँ से इसको इस सिंपली नहीं बैठ सक नहीं बैठ पाएगा इस पर, उसको इस पर पैर रख के तब जंप करके तब बैठना पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा फैमिली में बहुत ज़्यादा, अगर किसी फैमिली को बैठाते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आती है, इसीलिए इसमें चौथा नेगेटिव मेरे लिए ये है। करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव्स की, जो कि सबसे पहले इसका था परफॉर्मेंस, सभी को ही जानता है KTM अपने परफॉर्मेंस के बारे में ही जानी जाती है, तो इसमें परफॉर्मेंस तो भर भर के दी हुई है भाई, कि 199 cc का इसे 199 कुछ समथिंग cc का इसका इंजन है, वो फुल आपको पावर देती है, आपको आपके इसके अकॉर्डिंग में इसके बराबरी में कोई भी बाइक होगी तो ये आपको नॉर्मल उसके टक्कर से उससे अच्छी आपको परफॉर्मेंस देगी, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको परफॉर्मेंस के लिए सोचनी नहीं पड़ेगी। एंड बात करते हैं इसे दूसरे बात को लेके, तो दूसरी इसका जो आती है वो आती है आगे वाला डिस्क। आप लोग इसका डिस्क का चैनल देखते हो, देख रहे हो, ये डिस्क का चैनल ये पहले से पतला कर दिया गया है, इसे ये पतला हो गया, लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा साइज़ हो गया है इसका, पहले ये इतना बड़ा नहीं आता था, अभी का इसका चैनल का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। एंड इसका आगे का डिस्क का ब्रेकिंग बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन इसके पीछे वाला डिस्क उतना कुछ खास नहीं है, मतलब उसका अकॉर्डिंगली सही है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है जितना आगे वाला है। तो पीछे वाला के डिस्क पे थोड़े बहुत काम करने की ज़रूरत है KTM वालों को, लेकिन आगे वाले डिस्क में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा। इसके तीसरे पॉजिटिव्स के लोग के, जो कि आती है इसके हैंडलिंग, इसके पहले वाले जो KTM का जो वर्जन था RC, उसमें ये जो
ये बहुत इससे ज़्यादा डाउन था, जिससे काफ़ी ज़्यादा पेन होता था पीछे रीढ़ के हड्डी में, बहुत ज़्यादा इसमें पेन होता था इसको राइड करने में। लेकिन KTM वालों ने इसको उससे ज़्यादा इसको कंफर्टेबल बना दिया। ये R15 से भी ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि मेरे पास R15 भी, एक दोस्त के पास, उसको भी मैंने राइड किया हुआ है, उससे ज़्यादा कम्फर्टेबल है इसका। लेकिन थोड़ा बहुत अभी और काम बाकी है इस पर, थोड़ा सा और इसका हैंडलिंग का एडजस्टमेंट और अच्छा हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है इसका हैंडलिंग का कंफर्टेबल। आप इसको कहीं भी 200-250 किलोमीटर कहीं भी राइड कर सकते हो एक बार में, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है जितनी पहले आती थी। पहले वाले KTM में यह प्रॉब्लम था कि उसको आप 100 किलोमीटर तक भी राइड कर देते हो तो आपको पेन होने लगती थी रीढ़ की हड्डी में। तो ये बात इसमें मुझे भी पॉजिटिव लगी है। चौथे पॉजिटिव को लेके तो आती है इसको सीट को लेकर के, क्योंकि इसमें KTM RC में बहुत ज़्यादा कंप्लेंस थी इसके पहले कि इसमें सीट्स का जो कि क्वालिटी है काफ़ी बुरी क्वालिटी की दी हुई थी, क्योंकि ये जो सीट्स थे वो पूरी फाइबर के टाइप के दी हुई थी, बहुत ज़्यादा हार्ड थे। लेकिन KTM वालों ने इस पर थोड़ा बहुत काम किया, इसमें पुशनिंग साइड की हुई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है सीट्स इनकी। एंड ये वाले भी पिलियन सीट भी सही है। एंड ये वाले करते हैं इसके चौथे पॉजिटिव को लेकर के, जो कि आते हैं इसको सीट्स को लेकर के। इसकी सीट्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर दी है। ये पिलियन वाले सीट जो इसके पहले आते थे वो काफ़ी ज़्यादा फाइबर के टाइप में थे, बहुत ज़्यादा हार्ड थे, इतने ज़्यादा हार्ड थे कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता था उसमें। एंड ये वाले जो है अब काफ़ी ज़्यादा पुशनिंग्स इसमें ऐड कर दी गई हैं, ताकि इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है, इससे राइडिंग करने में भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा देता है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो ये भी एक अपग्रेड ही मैं मानूंगा, क्योंकि इसके पुशनिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। एंड साथ में पिलियन सीट की भी पुशनिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। तो बात करते हैं पांचवे पॉइंट्स के लेकर के, जो कि आती है इसके LED लाइट्स को लेकर के। तो इसमें LED पहले जो आते थे वो दो हैलोजन लाइट्स के टाइप में आते थे, अलग अलग लाइट्स होते थे, जो कि इसके लुक्स भी उसी के टाइप में थे। लेकिन अब इसको क्या किया, इसको स्क्वायर टाइप में करके इसमें LED लाइट्स फुली फिट कर दिए गए हैं। एंड इसके इंडिकेटर्स जो भी हैं, इंडिकेटर्स भी फुली इंडिकेटर हैं। इसमें पहले इसमें आते थे लाइट्स, लेकिन अब इसमें बिल्ट इन कर दिए गए हैं, जिससे अलग से एक्स्ट्रा लाइट उसमें नहीं लगता, इसी में बिल्ट इन है। और इसका पहले का लाइट से पहले ज़्यादा क्वालिटी इसका अभी का लाइट का है। कहीं भी एक अंधेरा में भी जाओगे तो अकेला लाइट काफ़ी है, इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि लाइट्स की कमी है, डिम है लाइट या कुछ भी है, लाइट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप लोग लाइट्स में क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंडिकेटर्स भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। एंड बात करते हैं इसके छठे पॉइंट्स को लेकर के, जो कि इसको मुझे पॉजिटिव लगी है, जो कि आपको मेन इसका KTM का मेन है, जो कि इसका लुक्स। काफ़ी लोगों को ऐसे इसका लुक्स पसंद नहीं आया है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसका लुक्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है। मुझे खास करके लुक्स बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इसका लुक्स चेंज करने सिर्फ लुक्स ही चेंज नहीं हुआ, इसके एरोडायनामिक काफ़ी अच्छे हो गए हैं। इसका जो आगे से लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा, पहले लोगों को वो दो हैलोजन टाइप्स के जो थे वो अच्छे लगते थे, लेकिन कितने लोगों को पसंद नहीं आया है, कितने लोगों को न्यू वाले लुक भी पसंद आया है। ये अच्छा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया है, लेकिन कितने मेरे मतलब KTM लवर्स थे उनको पसंद नहीं आया है। तो ऐसे ही तो यही थे कुछ इसके पॉजिटिव्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छी लगेगी। आप लोग हमारे चैनल को वीडियो जो है उनको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, हमको सपोर्ट करो, ताकि हम भी अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकें। तो थैंक यू।